फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 की तैयारी उम्मीद करते हैं आप सभी का बहुत अच्छा हो रहा है और तैयारी के साथ साथ एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं। मैं यहां पर आपको दो अपडेट दे रहा हूं सीबीएसई के द्वारा से, जो बातें हैं वो मैं आपको दो बातें आपको सीबीएसई के द्वारा बताऊंगा। एक दोनों बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन के तो अभी तो हो जा रहा है टर्म वन, लेकिन आगे के एग्जाम पर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट क्लियर बताऊंगा। स्वास्थ्य पर जानने के लिए, पूरी बात जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहेंगे। मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि तैयारी आपको करना है और अभी एग्जामिनेशन भी चल रही है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये अफवाह जो चल रहा है विभिन्न तरह से, लोग सोशल मीडिया में कुछ लोग भी जो हमारे यूट्यूब का कम्युनिकेटिव में है जो इस बात का उड़ा रहे हैं कि ओमिक्रॉन के कारण से अब आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा टर्म टू। तो मैं यहां पर आपको स्पष्ट और क्लियर बता दूं कि मैं उन बच्चों को याद दिलाना चाहता हूं कि वो टर्म जिस समय सीबीएसई ने टर्म वन और टर्म टू की घोषणा किया था उसी समय उन्होंने कहा था अगर टर्म टू के टाइम में, अगर कोविड का उस समय ओमिक्रॉन था नहीं, तो अगर हम कोविड का कैसे स्प्रेड बढ़ाता है तो उस समय हम एग्जामिनेशन टर्म वन बेसिस पर ही लेंगे, यानी एमसीक्यू ही लिया जाएगा। तो यह बात क्लियर है कि आपका टर्म टू का एग्जामिनेशन जो है वो आपका कैंसिल नहीं होगा, टर्म टू आपको एग्जाम देना होगा। और वो अगर बहुत से हो सकता है तो वो पैटर्न बदलाव आ जाएगा, क्योंकि टर्म टू में हमको सब्जेक्टिव भी देना है। तो स्टूडेंट यहां पर आप अपनी तैयारी दोनों तरीके से करिएगा, कभी भी पढ़ाई में ढील नहीं कीजिए, नहीं तो अभी टर्म वन में जिस तरह से अभी आप पछता रहे हैं वैसा टर्म टू में पछताने का मौका आपको भी नहीं मिल पाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हमको भरपाई करना है टर्म टू के हिसाब से। दूसरी मैं अपडेट यहां मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में जो पानीपत में क्वेश्चन पेपर लीक का मामला जो आया है, जो आप देख रहे हैं, और बड़ी अपडेट यहां पर है कि क्वेश्चन पेपर को ही लीक कर दिया गया, स्कूल के द्वारा ही किया गया और आंसर की दे दिया गया। तो मैं यहां पर आपको क्लियर बता दूं, ये अभी जांच का विषय है, अभी जांच हो रही है। हरिकृष्ण जो है वहां प्रिंसिपल, वो वहां पर बात हो रही है, अभी केसेस चल रही है, लेकिन अगर ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो सीबीएसई सख्त कहा है कि हम बिना चीटिंग का ही एग्जाम ले पाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो सीबीएसई जो है इस सेंटर को भी खतरे में डाल चल जा सकता है, यानी इसको सेंटर को खत्म कर देगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो इस तरह से बात को आप है कि अभी जो ये पेपर लीक का मामला है इसमें अभी जांच हो रही है, इसमें आपको कभी नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, आपको अपना बेस्ट देना है और बेहतर देना है। जो टर्म वन में हमने गलती किया है वो टर्म टू में गलती नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप लोग तैयारी करते रहे और आप बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। जय हिंद।